अभी तक आपने सुना होगा कि जेल में कैदियों से काम के नाम पर चक्की चलवाई जाती थी, लेकिन अब जेल में कैदियों को रोजगार दिया जा रहा है। जोधपुर केंद्रीय कारागार में कूलर उद्योग, जिसके बाद अब फिनाइल उद्योग की शुरुआत हो गई है, इससे कैदियों को रोजगार मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जहां देश भर में रोजगार के लिए हाहाकार है, वहीं जेल में बंद सजायाफ्ता बंदियों के हाथों में रोजगार है। जेल में बंद कैदी सजा काटने के बाद जेल से बाहर निकलकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, इसके लिए उन्हें जेल में हुनरमंद बनाया जा रहा है। जेल में कूलर उद्योग के बाद अब जेल प्रशासन ने फिनाइल उद्योग शुरू किया है। जेल में बनने वाले फिनाइल पैकिंग को आशाएं नाम दिया गया। जेल में बंद कैदी जेल उद्योग में फिनाइल के साथ साथ साफ सफाई की सामग्री भी तैयार कर रहे हैं। इसकी सप्लाई जोधपुर सेंट्रल जेल के साथ इसके अधीन आने वाली करीब 17 जेलों में भी की जा रही है। साथ ही प्रशासनिक कार्यालय, सरकारी दफ्तरों में भी सप्लाई करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे बंदियों को भी रोजगार मिल रहा है। केंद्रीय कारागार जोधपुर एवं उसके अधीनस्थ 17 कारागारों में सफाई के लिए हम खुद फिनाइल, उससे रिलेटेड सामान, झाड़ू है, पोंछा है और दूसरा सामान हम खुद बनाएंगे। और हमारा यह प्रयास रहेगा कि सफाई के नाम पर हम बाहर से किसी भी तरह की आउटसोर्स न ले और इन्हीं से काम करवाएं, ताकि सफाई व्यवस्था मजबूत अच्छी रहे और इनको काम मिलता रहे। जेल प्रशासन ने बंदियों को रोजगार और जेल में साफ सफाई की सामग्री के खर्च में कमी लाने के लिए फिनाइल उद्योग शुरू किया है, जिससे कैदियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इससे बंदियों को रोजगार के साथ उन्हें कारोबार के गुण भी सिखाए जा रहे हैं। जेल अधीक्षक कैलाश द्विवेदी ने इससे जेल में हर महीने साफ सफाई की सामग्री के नाम पर खर्च होने वाली राशि भी आधे से कम बताई है। हमारा खुद का प्रोडक्ट जो फिनाइल है, उसका अच्छा प्रयास है, बंदियों में भी इसके प्रति एक अच्छा मैसेज जा रहा है और बंदी चाह रहे हैं कि साहब हम खुद यहाँ से अगर ये चीजें नए नए जो प्रयोग हो रहे हैं ये देखें, तो बाहर जाकर हम खुद भी इसमें। जेल प्रशासन की पहल इन बंदियों के लिए आने वाले समय में मील का पत्थर साबित हो सकती है, साथ ही कैदियों के हाथों को हुनर भी मिल जाएगा। भवानी भाटी, जी मीडिया,